बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, मेरी शहजादी ती आई है। बेटा थोड़ी जी मत्थे ते कालक ला लेनी जी, किसे दी नजर ना लग जाए। फूफी मेरी मन ते अपने पुत्रां दे मुख काले करते, बड़े सोने लग रहे सन। चल शरारतन, हाली तक बचपन दी शरारतां नहीं गईयां। क्यों कैसा है? मैं नहीं तेरे नाल बोलती, तू तो मेरी जान ही कर ली सी। सारे पिंड वाले मैंने स्टेशन लेना आए पर तू ना आई। कैसे आंदी? घर का कम काज इतना पिया सी ते नाले तुसी घर ही आना सी ना मालकन। खबरदार मैंनू मालकन ना कवी। चलिए मेरी सहेली तू पहले ऐस कर दी नौकरानी बाद विच। जे आंदे मैंनू मालकन किया ना ते मैं सारी जिंदगी तेरे नाल नहीं बोलांगी। अच्छा बाबा माफ कर दे। चा बच्चिया माफ किया। बैठते हैं सजावल। सरदार खान नायला भी उन पढ़ाई तो फारग होके आ गई है, नाले अपना शेर भी जवान हो गया। इसी तरह क्यों नहीं कहते कि असी नायला दे रिश्ते की गल करन आए हैं। नायला तुहाडी अपनी धी है। नाले मैनू तो खुशी है कि तुसी उहनू अपना समझिया, पर मैनू एक बारी उहदे कोलों पुछ लैण दे। लाला ये तू की कह रही है? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਰਸਮ ਕੀ ਪਾੜ ਲਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਜਾਵਲ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਰਤ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਣੀ ਹੈ। तू कौन है जिन्हें अपने प्यो वर्गे इस बुजुर्ग की पछाण नहीं? उन्होंने मैं अपना तारफ करा भी दिया ते की फायदा है? एदा इको फायदा होएगा, तेरी कबर ते तेरे नाम की तख्ती लग जाएगी। ओए जे गल ते फिर आज वक्त दसेगा कि तख्ती किदी कबर ते लगती है। सूरज ते जुल्म कीते बगैर डुबनते हो, साडे मामले च बोलन आए ठीक कह रहे हो। किसी की धी भैन का फैसला ओदे वारिस बेहतर कर सकते ने। जाओ इतो मामा। मैं कहना दफा हो जाओ। तू जा करम दीना, धी की शादी जिथे मिथी कर दे। रब तुहाडा भला करे खान साहब। ये जगीर सिर्फ ताडी शराफत की वजह नाल चल रही है भाई।
वरना चरोकने की गरक हो गई होंगी। अच्छा बड़ा खा खा साहब, तू कौन है पुत्र? मैं शरफू बेलदार का पुत्र हाँ चौधरी साहब। अच्छा अच्छा, तू वो है जिहड़ा शहर परन गया होया? जी जी। अजकल की करना है पुत्र? मैं पुलिस जीएसपी हो गया, थोड़े दिन होए ने मेरी इस इलाके ट्रांसफर हो गई है। मां लान की खबर सुना के सानू खुश कर दी समंदर खान, और तू बाकी जुर्मा का उस समंदर है जिदा अज तिकर किसी किनारा नहीं वेख्या। और बॉर्डर तू माल लियाना तेरा ही काम सी। लोग सच ही कहने ने बबरिया, समुंदर खां जबान का सच्चा ते व्यार दा खरा बंदा है। ऐसे वेड़े च लगा होया यारी दा बूटा छेती पल के दरख्त बन जाता। समुंदर खान दे प्यो दरिया खान दी इक्को ही वसीयत सी, जिदी जुबान नहीं ओदा कुछ नहीं। सच आखी सच। लो जी खान बहादुर, एदे च पूरे 10 लाख रुपए वादा काटा ते होंदा रहेगा। तुसी हुण थकावटा लाओ ते ऐशां करो। समुंदर खान दी यारी तुहानू छेती गोल पति बना देगी। तुसी माल आगे टरन वाली गल करो। ओए वेखी रिया, रब जदू देंदा छप्पड़ पाड़ के देंदा। हुण साडे कोठे दौलतां नाल भर जाणगे। नायला नाल शादी तो बाद मामे दी सारी जायदाद साडे कब्जे च आ जाएगी। अब तू फिक्र ना कर बबरे, तेरा व्याह बड़ी धूमधाम नाल करांगे ते पूरा जग वेखेगा। मेरा ख्याल है पहले निकाह की रस्म अदा कर ली है, फिर कुड़िया ने शगन भी करने होंगे। मौलवी साहब। हाँ जी। निकाह शुरू करो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خبردار ہے کوئی اپنی جگہ تو نہیں لے गल है डिप्टी खैर है? खैर तो नहीं खान साहब। इन्हों दोनों गिरफ्तार कर लो। नहीं, की जुर्म किया इन्होंने? खान साहब तुहाड़े दोवें पांजे समंदर खान के साथी ने, इहदे नाल मिलके मनुष्यात का कारोबार करते हैं। की सबूत है तेरे को? सबूत तो मैं तुहानू इहो जिहा विखावांगा कि तुहाडे पैरां हेठों जमीन निकल जाएगी। हरकुलिस। यस सर। जी सर। वीडियो कैसेट लिया? हेलो सर। लो भाई चौधरीओ होशियार हो जाओ, हुण बम चलन लगा दे।
लाण की खबर सुना के सानू खुश कर दी समंदर खान। और तू बाकी जुर्मां दा उस समंदर है जिदा अज तिकर किसे किनारा नहीं देखिया। और बॉर्डर तू माल लियाना तेरा ही कम सी। सच आखी सच। लो जी खान बहादुर ए पूरे 10 लाख रुपए वादा काटा ते होंदा रहेगा। तुसी हुण थकावटा लाओ ते ऐशां करो। समुंदर खान दी यारी तुहानू छेती करोड़पति बना देगी। तुसी माल आगे टरन वाली गल करो। ओए वेखी रिया रब जदू देंदा छप्पड़ पाड़ के देंदा। हुण साडे कोठे दौलतां नाल भर जाणगे। नायला नाल शादी तो बाद मामे दी सारी जायदाद साडे कब्जे च आ जाएगी। सबूत तेरे पुत्रां नूं मुजरम साबित करने लई काफी। इन्हां नूं फौरन हथकड़ी ला लो। हथकड़ी निकाह तो बाद लगेगी सरदार खां। निकाह हुण किसे सूरत च नहीं होना। तू अपना फर्ज पूरा कर शेर जंग। ए मेरे ही दुश्मन नहीं वतन दे बेगद्दार ने। भला होवे शेर जंग दा जिन्हें मेरिया अखां खोल दित्तियां ने। जे मैं अपनी धी दा व्याह तेरे पुत्र नाल कर देंदा ते तुसी ते मेरे जमीना दे बदले धी वेच देनी सी। सोच ले सरदार खां, जे जंज बुए तो वापस टुर गई ते शरीक मुंह जोड़ जोड़ के गल्लां करनगे। धी बदनाम हो गई ते किसे ने उहदा रिश्ता नहीं लेना। तेरे पुत्र नाल रिश्ता करन तो बेहतर है कि मैं अपनी धी का गल अपने हथ ही कुट दिया। माफ करना खान साहब, मैं कानून के हथों मजबूर सा। ले चलो इन्हां नूं। सरदार खान, आने वाले जवाई नूं कानून के नाल टोर ही दिता। हुण तीन भी कानून के नाल टोर दे। ठहर जा शेर जंग। शरीक ने ताना मारिया है। मेरा मान रख ले पुत्रा, जे मेरी धी की डोली इस हवेली च ना उठी तो मेरा जनाजा जरूर उठेगा। खान साहब, मैं इस इलाके का मुहाफिज हाँ तो तुहाडा मान रखना मेरा फर्ज है। मेरी धी नूं बर्बादी तो बचा ले। मैं तेनों अपनी धी का रिश्ता देना। खान साहब, यह तो मेरी खुशनसीबी है। फिर चल के मेरी धी का मुहाफिज बन के बह जा। चला मौलवी साहब, निकाह शुरू करो। अच्छा जी। नायला बिन के सरदार खान, बैद शरई हक मैल कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। अच्छा खान साहब, मैं ना मुलजमान नु थाने पर जाके वापस आना। ठीक है। तीन साल कैद ते साथ मीट के कट लांगे। रह गई वैर दी जंग। त्यो रिहाई तो बाद डिप्टी शेर जंग दे लो नाल बाल के सैक लांगे। तुसी फिक्र ना करो, कानून दी ताकत तो नौकरी तो लुआ के खो लैनी। रह गई न्योदरे दी गल, उसी मैदान ला के ला दिया। मेरिया नींद्रा हराम हो गई ने चौधरी सजावल। मेरी हिक ते शेर जंग काले नाग वांगू 3 साल तक लेटता रहेगा। हौसला रख के दुश्मनी लोहरी देंदा रहो समुंदर खां। शेर जंग नु साडे अजाब कोलो कोई नहीं बचा सकेगा।
या अल्लाह मेरी सहेली नू पुत्र देवी। नूरी रब ने तेरा खाब पूरा कर छड़िया। हाँ सर तुहानू मुबारक होवे थोड़ी धी दे घर रब ने चंद वर्गा पुत्र दिता। चंद वर्गा पुत्र दिता है वीरा तेन मुबारक होवे तन भी मुबारक होवे। नूरी तीए इस खुशी दे मौके ते हर घर च लड्डू पे। अच्छा सर 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 तानू एसपी साहब ने याद किया। तुम जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। उस जालम का बुर्ज ऐसी तरह उठाना चाहिए सी। लेकिन सर मैं उसे भेजन का की फायदा होया। हाँ मैं महसूस कर रहा कि मैं एक सही इंसान नू इंतहाई गलत जगह ते भेजा है। मैं ताती तौर से तस्लीम करना वा शेर जंग कि तू चौधरी सजावल ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। लेकिन मैं अफसोस है कि चौधरी सजावल के सर रसूख ने तेनू मुअत्तल करवा दिता है। तीन साल कहते साड़ी एक कंगड़ाई च मुक गई है। वैर दा सूरज सवाने दे ते आ गया समुंदर खां। अज ही शेर जंग लई दिन दा चानन हनेरी रात बना देंगे अब्बा। और गल सुनो पुत्रो आज दी रात उदा डेरा कब्रस्तान च बना दियो। नहीं चौधरी सजावल समंदर खान नो अपने दुश्मन दा लो आप पीण दी आदत है। आज मैं सरदार खान दी जागीर नो ओदे लो ना लाल लाल कर देंगा। ऐला ओहो किन्नी बारी क्या कि एक काम तुसी आप ना करया करो। ए नौकर काजे लई रखे होए ने तुहानू ते चंगी तरह पता है कि साडे घर दुआ मेहमान आण वाला है। ठीक करा सरताज जब तक अपनी हत्थी काम ना करना तसली नहीं होती। पर जनाब तुसी तैयार होके किथे चले हो? मैनू तुहाडे अब्बा जी ने बुलाया। अब्बा जी नाल अपनी मुलाजमत ते मौतल हुंदा जिक्र जरूर करना। उन्हां दे एमपीए मियां फरजन नाल बड़े अच्छे तालुकात ने ओ तुहाडी मदद करनगे। चंगा मैं जरूर जिक्र करांगा। रब रख रब रख। इस हवेली आने की जरूरत किवें हुई है? जरूरत बुढ़ा होके सटिया गया। तैनु समझाओ अपने कारी चाल लई किसे कोलो इजाजत लैन की लोड़ ही नहीं पैंदी। ओ मामा तेरा जोई किथे वे जिन्हें साडे ते मुकदमा पा के तीन सालों लई सानू अंदर कराता सी। ओए जो घर हुंदा ते तुहाडे कदमां नू दहलीज़ां तो बाहर ही रोक दिंदा। ओए बुढ़िया साडे वधे होए कदमां नू ते तकदीर भी नहीं रोक सकती। तेरा जुआई किवें रोक सकता है? ओए इस हवेली दा मालिक तुहानू जरूर रोकेगा। दफा हो जाओ। अम्मा असी ते चले ही जांगे पर तैनू ही नाल लेके जांगे। फिकर ना करो मेरा दुलिया होया है लहू जरूर रंग लियाएगा जरूर। बड़े दावे करता से मामा हुण तैनू दो गज जमीन भी नसीब नहीं होनी। ओए बबरिया हुण इस मामे जी दियां सारियां दौलतां ते जायदादां दे मालक असीं आवांगे। बदमाशो
तुसें मेरे बेगुनाह प्यो नु कतल किया, मैं तुहानू जिंदा नहीं छड़ांगा, जिंदा नहीं छड़ांगा। मारन ते तैनू आए सां, सोरा ते तेरा बेगुनाह ही मारिया गया है, एनू भी सोरे दे नाल अगले जहान तोड़ दे। शेर जंग एनु अपने घेरे च लै लो। वेखिया जी साहब बहादुर, दौलत ते जमीन दे लालच च आके इस कमीने ने मेरे साले नु कतल कर दिता। ए झूठ बोलदे ने, बकवास करदे ने। खान साहब नू मैं नहीं मारिया, एदे पुत्र ने कतल किया है। बकवास ना कर, एनू हथकड़ी ला लो। रब जानदा इंस्पेक्टर, मैं बेगुनाह वा, मैं बेगुनाह वा। ए ते तेरी अखा चो त्रै खून पिया दसदा है कि तू किन्ना क बेगुनाह है। ले इंस्पेक्टर, जे तू कानून नू दौलत दी तकड़ी तोली दिता है, फिर रब की अदालत से इंसाफ जरूर होगा, जरूर होगा। ले चलो इन्हू। एनू कानून के हवाले तू कर दिता अबा, ये बच्चों साढ़े बंदे मार देंगे। गले नूरी, बड़ी घबराई, खैर ते है? तेरे प्यो नू तेरी पुफी दे पुत्रा ने कतल कर दिता है, ते तेरे खावद नू मौत नाल खेड दिया अखी वेख के आई हां। तू पुत्र नू लेके एथों निकलन वाली गल कर। निकल जा नैला, निकल जा, मौत सिर ते पहुंच गई है। मेरे पुत्र नू लेके इन्नी दूर चली जा कि इस साले मेरी हवा तक ना पहुंच सकन। मैं इन्हां नू अपने पिछे लानी हां। जे जिंदगी ने साथ दिता, मैं तेनू आन मिलांगी। जा। तेनू बच के नहीं जाना चाहिदा, इहदा पिछा ना करो। Thank you.
लो भई ऐसे डूब के मर गई है, रह गया था पुत्र, उन्हें भी लप के मार देंगे। हौसला रखती है, विछड़िया रब मिलता है, मैं तो रब का शुक्र अदा करना जिन्हें बे औलाद न औलाद वाला कर दिता है, हुन तुसी ऐस कर दे वारस हो। ऐ ते ठीक है बाबा, मैनू ते रब ने तेरे जे बाबल दी छां दे दिती है, खबरे मालकन किस हाली च होवेगी। तू बड़ा घबराया है साहब जी, दुश्मन ने तानू जेल कराने तो बाद तादी बीवी ते बच्चे नू दरिया बुर्द कर दिता। नहीं, नहीं! शेर जंग नसन की कोशिश ना करी। मेरा राज छटे चेलर, कानून हाली इन्ना कमजोर नहीं होया शेर जंग के ओ तेनु जेल तोड़न दी इजाजत देवे। मैं ना सलमानू नहीं छड़ांगा, इन्होंने मेरी बीवी ते बच्चे नु मार दिता। अज मैं बड़ा खुश हां भैणा, अज मैं बड़ा ही खुश हां। ए खुशी भी काती खुशी है वीरा, जिदी मंजिल दुखा ते भुगती है। पुत्र की सूरत वेखी है ते विछड़िया दी याद अथरू बन के अखां च टुल पई है। भैणा दिल हौला क्यों कर बैठी है? एक बारी याकूब अलैह सलाम ते इम्तिहान दा वक्त आ गया सी, उन्हें सबर दा दामन नहीं सी छड्या, ते फिर रब ने उन्हां नाल यूसुफ अलैह सलाम दा मिलाप करा दिता। यकीन दे बेड़े हमेशा पार हुंदे ने। यकीन ते मैनू अपनी जिंदगी नालों वध है वीरा, कि मेरा सरताज जिंदा जागता है। आई नहीं गवाहों के बयानात और वकला की बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सरदार खान को शेरजंग बल्द शरीफ मोहम्मद ने कत्ल किया है, लिहाजा अदालत मुजरिम शेरजंग को ताजीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। अपनी धी के पैरों में बेड़िया पा के रख, कितने वे पैरों की तूड़ तेरे चिट्टे चाटे जिन्ना पै जाए। की कह रही घर दन्ना तो उच्चा हो जाए तो पराया तानू दे वारसा दे हवाले करके सुरखरू हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा मतलब नहीं समझी। साडा मतलब यह है भैना कि तेरी धी गोरी ने सारे पिंड का जीना हराम किया है, साड़ी मन तो पिंड का कोई गरीब मुंडा वेख के उसके हाथ पीले कर दे। वाह मासी वाह। आदाब मां जी, सलाम कबूल हो। तुसी मेरी मां नू पुठी पट्टी पढ़ा रहे हो है? हुण वेखना मैं अपनी भैन का ब्याह उसी थां ते करांगा कि तुसी वेख के हैरान रह जाओगे। क्यों हैदर भाई, गोरी की शादी इमरान खान से कर रहे हो? बकवास ना करो भैणा। आइए चाचा, हुजूर आप ही का इंतजार था। तेरे लाड प्यार ने उसकी आदत खराब कर दी ने, एवें ते नहीं जंगल दियां चड़ेलां भी उन्हें वेख के तौबा ताब कर उठदी। चुक के लमा अंगड़ाई ते दिन
तेरे सिर का मुल 50,000 फड़िया सी ते सोचा सी कि तेरे ते 10-20,000 का बारूद जाया होएगा, पर तू ते मेरी एक गोली नहीं जाया होती थी। की फर्क पैना सी जे 10-20 गोलियां चल जांदियां, ओए साडी कमाई दी जकात ते निकल जांदी। एक बदवा सुनना वा तेज लगता है तैसे क्यों तीन पी लिया छोटे वर्गिया बुलावा मावा करते जमन गया। पुत्रा की गल है पुत्रा, खैर ते है? अज इन्नी छेती घर आ गए? आहो मां जी, अज ते मेहनत भी नहीं करनी पई ते सारा कम 10-15 मिनट च हो गया। माशाल्लाह मेरे पुत्र की कमाई च इन्नी बरकत पै गई है। आहो मां जी, ऐ लो मेरी अज की कमाई। दिन रात इन्नी मुशक्कत करना है, मैं इन्ने पैसे किधर ले जाऊंगी? तू एक मेरा पुत्र है, मेरी अखां दे सामने रिया कर।
की करा मां जी, काम ही इना चल पाया कि एक मिनट की वेल नहीं मिलती। जो पुछनी है तो खा जाना है। अज तो दस मैनू तू काम की करना है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का की मतलब? मतलब है इधर का माल उधर, उधर का माल भी उधर ही उधर। दूर दूर तक साड़ा कोई दुश्मन नहीं अब्बा, पर फिर भी समझ नहीं आती ये साडे मुजोर पुत्र अपनी दहशत का तूफान लैके किदी तकदीर का लिखिया बदलने लिए बाहर जाते हैं। ओए सब पालिए ते उन्हां दे डंग ते जहर तू खौफ नहीं खाईदा फबरे, पर हाथ चुकन की भी कोई हद होंदी है शेरू। कमाल दस बज गए ने ते नायला बेटी हाली तक कॉलेज नहीं गई। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए इस कुड़ी तो। कोई गल नहीं बांदरीए, आइंदा मिलेंगी तेरे तन ते कपड़े नहीं रहन देंगी। वीरो तुसी जिन्ना तूफाना दा राह पहाड़ नहीं डक सकते, ओना तूफाना दा राह सिर्फ साड़ी भैन ही डक सकती है। मैं देखना चाहनी सा मुंह जोर कोड़ियां दे ऐ सवार किन्ने कु मुंह जोर ने। जे साड़ी मुंह जोरी वेखनी पैना ते उत्ते जग नु साडा वैरी बना के साडे सामने लाया ता के तेनु पता लगे ऐ प्रा नहीं बुलावा ने बुलावा। मेरे सामने कोई नहीं आ सकता, ताड़े सामने किन्ने आने। ओए साड़ी पहनते की एडिया सहलिए नहीं मान तड़के तड़के दिल तेरा तड़के भड़के भड़के रंग तेरे खड़के ready।
हैदर पुत्र। की गल है मास्टर जी, खैर ते है? खैर ही तो नहीं है पुत्र, चंद बदमाश मेरा मकान ढा के ते उत्थे शराब दी पट्टियां लाना चाहते ने, ते कल मेरा मकान ढान आ रहे ने। तुसी फिकर न करो मास्टर जी, ओ बदमाश तुहाडा मकान नहीं ढा सकते। कौन है तू? इसे फनियर साहब कहते हैं। ओए कनकुए, जदो सप दी मौत आंदी है तो इस बाऊ वांगो खुट चो निकल के सामने आ खलंदा है। ओए मौत दे शिकंजे इश्तियाज तुसी आ गए हो। अगर जाए नहीं ते गोलियां मार के चरनी कर देंगे। याद रखो ए, मास्टर दे कर दिया जिन्नी इट्टां टिकन गिया मैं तुहानू नहीं फट लावांगा। ओए तू इस मास्टर दा मामा लगना? अबे नजायज बाप की औलादो, मास्टर का मामू तो नहीं, लेकिन आज तुम्हारा बहलोई जरूर बनेगा। बकवास न करो शपर गुल्ले। भाई पिया लो पियो। अब इन लोगों के घरों में जानते हो इधर तुम्हारी हाला रहती है। बाकी क्या ये भाई साहब आप क्यों लड़ रहे हैं? मास्टर से मकान चाहिए, कब्जा चाहिए। ये लो कब्जा। अरे मकान का कब्जा ही तुझे पूरा कब्जा चाहिए। बस पुत्रा बस। अरे ओ बेगैर तू भाग गए। अरे थोड़ी सी मार तो और खा लेते। पुत्रा इना बेगैरता ले इना ही काफी है, जे अपने प्यो दे होंगे ते मुड़ के इत्थे नहीं आनगे। मास्टर जी जे बदमाश दोबारा आन ते मैनू जरूर दसना, मैं इना दी नस्ल मुका देंगा। किनू मिलना पाजी? असी राके पहलवान नू मिलना। राका मेरा ही नाम है। दसो की काम है? पहलवान जी एक बंदा मरवाना है। ओए बोलो ए खाना खराब दे पुत्रो। पुत्र कौन है? ओ कुछ नहीं मां, नवे व्यापारी आए ने। तुसी डेरे ते पहुंचो, मैं तुहाडे मगर आना। चला पावड़िया। खाना खराब दे पुत्र मरवान लगे सर। कौन सन पुत्रा? व्यापारी सन माजी। ते की कहंदे सन? थोक दी गल करन आए सन, मैं इनां नूं मिल के हुणे आना। खाना ते खा के जा पुत्रा। माजी तुसी खाना टेबल ते लाओ, मैं इंज गया ते इंज आया। खबरे व्यापारी मेरे पुत्र दी जान कदों छड्डणगे।
तो बाद कभी मेरे घर ना आना। जेड़ी भी कारोबारी गल करनी होवे मेरे ठेरे से आके करना। ठीक है तो जी, दसो कम की है। एले फड़ 20,000 रुपया। हैदर ना दा बंदा ओदा सिर चाहिदा। ब्याह ना कबूल है। दसो है और आना किथे वे। ओदा पता दे तन्नू साडे पिंड दा स्कूल मास्टर ही दस सकदा है। डरो ना मास्टर जी, मैं तुहानू कुछ नहीं कहांगा। तेरे ही पिस्तौल दी गल ते इन ते मैं सिर्फ तुहानू टलान ही कड़िया सी। जब मेरी तुहानू पता लग गया ते मैं इनू वापस रख लैना। नाले मैं ते कतल ही उहनू करना जिहदे सिर दा डाना फड़ लिया होवे। मास्टर जी, मैं तुहाडे पैरी पैना, हाथ जोड़ना, लकीर कर देना। तुसीं हाले भी खुश नहीं होए ते फिर तुहानूं तुहाडे बच्चे ते उस्तानी जी दा वास्ता। जे हुण ते दस दे हैदर कित्थे रहिंदा। इस लई कि हैदर दा पता सिर्फ तुसी जानते हो। मास्टर जी, मास्टर जी, ओ की ड्रामा है। मरवाता जे मास्टर जी, तुसी ते गड्डी इन चढ़े हो जिवें तुहाडे सामने राका नहीं कोई जिन भूत खलो गया होवे। गोरी तू इथे ही खलो, मैं मालू को लो पैसे लेके होने ही आया। छेती आई किधरे, मैं खलोती खलोती डिगी ना पवा। ओहो तू घबराई ना, मैं ए गया ते ए आया। ठीक है ते तू ओ ए जड़ी उस दिन मेरे ते चिक्कड़ पा गई से। नहीं जा चुप पासे होके खलो, ए सड़क तेरे प्यो दी नहीं। मेरे प्यो दी ते नहीं, शायद तेरे प्यो दी होवे। जरा गड्डी चो बाहर आ फिर मैं तेनू दसनी किदे प्यो थी। ले गड्डी चो बाहर आ गई, की कर लेंगी मेरा साथी कोट किरली ते शतीरा ने जफे। क्या खूबसूरत कोट किरली है, रब करे मुल्क च सारियां एहोयां कोट किरलियां हो जान। ब्रह्मा सच्चा हाय ओए बेड़ा गर्क दी पुत्र ने मेरा बीड़ हिला दित्ता है। नहीं मेनू के कोट किरली, मैं तेरा हुलिया बिगाड़ देंगी, तेरे खुन्ने सेक देंगी, ए पेंट तेरे लिए लीर कर देंगी। तेरी ते ऐसी दी तैसी। मैं क्या बाजी ना दिया, ये तो कलो बच के रही, बहुत बुरी है नौंदरा मार दी है। उल 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 आए शोरा ना मिला है। औरतों का दंगल और जंगल में मंगल, वो लाचे वाली लड़की को प्लेंटी कार्नल मिला है। मेरा ख्याल है ये गोल कर देगी।
पागल तो नहीं हो गए तुसी? परा मर दे, छड़ जा। ओरी तू परा जाएगा, आज मैं तेरी लत बा तोड़ दूंगी। तू मेरी लत बा की तोड़नी है? मैं अपने प्रावन कह के तेरी बोटी बोटी ना कराई ते मेरा ना नातिया नहीं। अच्छा अच्छा हूं तू जा, जिसले तेरे प्राण के देखी जाएगी। ओए खलीफिया, तू भी खलो के तमाशा वेख रहे हैं। उस्ताद बड़ा मजा आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे किसी स्टेडियम में दंगल हो रहा है। उस्ताद मेरी मानो तो भाग चलो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाई वाकई आ गए। की गल थी रानी, खैर ते है? खैर ते नहीं दादा, करमू मुछेरे दी ती आज सिर चढ़ के बोली है, इंज लगया जिवें कयामत आ गई है। ओ दादा जी, ओदा भरा भी बड़े पटाके मारदा सी, ओदे ते जरा चौंगे च कन्न फड़ाओ। चुप कर ओए। ओ कमलीए तीए, जिस पैन दे चार छे जवान वीर होण, ओदे कोलो ते तत्ती वाह खा के नहीं लंघदी। इक कमी ती ते शाही कोई नहीं, जान चुक लिया। Thank you.
शोखी मुटियार जड़ी तुहाड़ी भैन नादिया दे हाथी पई सी। चौधरियां दे पुत्तर आ गए ने। इहदे भरा ने तुहानू जागीरदार नहीं कमी समझे कमी ते तुहाडे वास्ते डुब मरन दा मुकाम है। दस नी तेरा भरा किथे वे जिन्ने साडी दहशत नू आवाज मारी है। वे पैणा दे टोटे भी उछा फिर भी भरावां दा पता नहीं दसदियां। चुक लाए नू इदियां चीखां दी आवाज सुन के इहदा भरा पा जाएगा। लै भी गुरी इत्थों नसण वाली गल कर नहीं तो इन्हों के हथों बेइज्जत हो जाएगी। लो बई अज ये कमबख्ती आ गई जे। तू फिक्र ना कर हूं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राका तुम ओए किधर विट दे तोड़े एक औरत दे पीछे चढ़े ऐ साड़ी इज्जत दा मामला राका अरे च दखल ना दे एदे भरा ने साड़ी भैन दा राह ढकिया है ते फिर बदला एदे भरा कोल लवो जा चले जा इत्थों। ओए असी तेरी यारी दे सदके नूं छड़ के जा रहे हां नहीं तेदा हशर कर देना सी। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਤੂੰ ਰਹਿਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡਾਵਾਂ। ਚਲਾ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗੋਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਮਾਂ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੋਗੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਲੋ ਆ ਗਈ ਆਪਕੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਬੇਟੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੀਰਾ ਵੀ रोन क्यों लग पई है? की दसा मां जी जे अज एक गैरतमंद ना आंदा ते तोड़ी धी दी इज्जत गुंडिया ने हाक च मिला देनी सी। ऐ की कह रही है ओ गैरतमंद किथे वे? बूहे तक ते नाल आया सी पराया कर समझ के बाहर ही खलो गया। अंदर आ जा पुत्रा। सलाम मां जी। तुसी मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिता? जवाब की देती तैनू वेख के इंज लगा है जिवें 20 साल का विछड़िया वो लाल आ गया है जिन्हों मैं तकदीर के हवाले करके टोरिया सी। मैनू भी अपना पुत्र ही समझा मां जी। वे मां सदके मां कहने कितना सोहना लगना है। अच्छा मां जी मैं हुण चलना। वे ठहर जा तो कड़े लई ठंड दे पै लैंदे तू ते मेरे ते ओ एहसान कर दिता है जेरे सगे पुत्र भी नहीं करते। ओ नहीं मां ए ते मेरा फर्ज सी मैनू हुण इजाजत दियो। सूरज डुबन तो बाद मेरी मां पागलों वांगू मैनू लभण टुर पैंदी है।
फिर कदों आवेगा? पुत्र कह के जदों भी आवाज मारोगे माया भी होया ते तुहाडे मोढे नाल आख लवांगा। मां वाली जाए किन्नी कर्मा वाली मां है जिहड़ी तेरे जे जवान पुत्र दा मुंह वेखदी है। अच्छा मन हुण मैं चलना, रब रख। रब रख। बहुत ही पसंद आ गया थे तो फिर हम इसे खरीद लेंगे। चुप कर वे, अजी भी खुशी मेरे वेड़े आई सी। की गल है भेणा, आज बड़ी खुश है? किधरे कोई विछड़िया तो नहीं मिल गया? अज एक मां का पुत्र देखा ते कलेजे नु हाथ पिया। शुक्र है कि मां जी का हाथ डंडे पर नहीं पड़ गया। बकबक ना कर, पहले आज बेफिक्री नु पूछ ले वीरा चेड़ी आज गुंडिया ने चुक लेनी सी। गुंडिया ने चुक लेनी सी? ओ गुंडे कौन सन थी? ओ चौधरी सजावल दे पोतरे। सजावल दे पोतरे? पर उन्हें तो इस बस्ती की दखल है वीरा। उन्हें दिया जमीना दरिया दी मणती करा दिया ने। जे गल है तो फिर मेरे पुत्र ने इस गल का पता नहीं लगना चाहिए किधरे ओदे पोतरे दिया कब्रां जागीर दी हत्या ना बना दे। बाहर निकलो ए बिलाए तो, आज मैं तोड़ी मौत बन के आया जे। कौन है तू? इत्थे की लेना है? तेरे उन्हें बेगैरत पोतरिया का सिर लेना है वा बुढ़िया जिन्होंने मेरी पैंट चुकी सी, मेरी पैंट की इज्जत बच गई है, पर आज मैं उन्हें बेगैरतों को जिंदा नहीं छड़ांगा। ओए तू इस वेले की छत थले बच के जाएगा पल्लो तो फिर तेन मनांगे। पल्लो नू ते गोलियां नाल छेको छेक कर दियो।
बेइज्जती की थी। बेइज्जती तो होन होवेगी जदों मैं तेनू चुक के अपने नाल ले जावांगा। ओए थौ करा मुंडिया, असी हाथ कट देने जरा साड़ी इज्जत वाल होती। तुहाडी इज्जत दी ऐसी दी तैसी, मैं तुहाडी धी नू चुक के ले चलिया वा। इहदे बेगरत भरावां नू कह देना जे हिम्मत होवे ते छुड़ा के ले आण। भरावां दा इंतजार छड़ दे सपनिए, हुण उन्हां ने इत्थे नहीं आना। की करना कर पांडिया, मेरे भरावां दे आन दी तेरे तेरे सारे हासे बंद हो जाणगे। मिर्जा भी तीरां नाल छाणनी होके डिग पिया सी, ते साहिबा इश्क नूं लीक ला गई सी। पाजी, ये आज का मई वाल बिल्कुल ठीक कहता है। शट अप। मैं क्या पाजी, ये शट अप तुम्हारी फूफी का नाम है? शट अप। ठीक है, ये तुम्हारे खानदान की पुरानी आदत है। कंदलां दा साग ते मक्खन मकई, कंदलां दा साग ते मक्खन मकई, तिन किले आई हां मैं पाबे दिले। बकवास बंद करनी। शक्ल तेरी किड्डी सोहनी है ते जबान किड्डी पैड़ी, फिर भी मैं तेनू दिलों अपने पाबे बना लिया है। अज मैं अपने पाबे नू अपने हत्था नाल खवावांगी। हथ परा करनी, खाना ते तेरे प्राण नू दफन करके खावांगी। पाजी, इसकी बात का बुरा ना मानो, ये गोरखन की बेटी है। मेरे प्राणू बाद इच खा ले, पहले ओदी भैण दे हथां दा पक्या ते खा ले। बाजी, ये तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना कभी नहीं खाएगी, ये घास घूस खाने की आदी है। शट अप। हैदर, पाबी कुछ नवे जमाने दिए, मुंडिया वाले कपड़े न सिर कचिया। तू मेरी मन एदे लई किसी वड्डे होटल तो खाना लिया, भावे तेरा 1000 रुपया खर्च हो जावे। ठीक है, मैं एदे लई चाइनीज खाना लेके आना वा। गोरी, तू एदा ख्याल रखी, किधरे तेनू प्यार दी चाबी ला के ना नस जाए। पाजी, उस्ताद ठीक कहता है, इसे भागने की आदत है। चल खलीफे। मेरे प्रावां दे आन दी देरे, तेरे डेरे दी इतना इट बचा देंगे। वैसे पाबी जंगजू, तेरे प्रा राज मजदूरी कर देने। एक ही कह रहे हैं दादा, जिदे 4 साल पोते होन, ओदी शान त्यान ते कोई हाथ चुके, असी ओदे हाथ वड देंगे। चढ़ दे सूरज का जोर पवे, ते कदी कदी पहाड़ भी टोल लग पैंदे ने पोतरे हो। मौत दे फरिश्तियां कोलों मौत दा सवाली कदी खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। राका, राज छड़ दे, साढ़े ते क्यामत टूट पई। क्यामत टूट पई है? मैं चलिया, क्यामत ते तुहाडे सामने खलोती। एक कमी दा हथ साडी गैरत वल वधिया राका, जे असी उहनूं ना मारिया ते शरीकां दे ताणियां थले साडियां कबरां बन जाणगियां। ओए ते फिर मैनूं उस बदबख्त दा ना दसो। ए मैं जग ओदे लई कब्रस्तान बना देंगा। मछेरियां दी बस्ती दा हैदर ना दा जवान साडी इज्जत दा जलूस कढ गया राका, ते फिर अज मैं ओदी जिंदगी तय हो जी अटल खड़कावांगा। आज तो बात कोई माए हो जा पता नहीं जमेगी। नहीं राका, और सानू जिंदा चाहिए है। जिंदा चाहिए? ए की कह रहे हैं? जे आम मर गया, ए असी जीवंदे जी मर जांगे राका। ते फिर हौसला रखो चौधरियों, मेरी बदमाशी दे राज इच इज्जत दा कोई लुटेरा मेरे अजाब तो नहीं बच सकता।
ले वे खलीफा, तू चल के खाना पैक करवा ते मैं जरा जशन जुशन देख के आना। ठीक है, तुम इनका टाइम सुनो, मैं खाना पैक करवाता हूँ।
आशिक भाई खाना तैयार है, कहीं नादिया भूखी ना मर जाए। ओए आओ यार, चल फिर चलिए। पहाड़ों फूल बरसाओ, तेरा महबूब खाना लेके आया है, खाना लेके आया है। ओए खलीफिया, ओए तैनू कैसे मिरासन ने गुड़ती दीती है, हर वेली गाने गांदा रहना तू। हैदर भाई, खबरदार जो मेरे खानदान का नाम लिया तो। क्यों, की है तेरा खानदान? मेरा खानदान 10 खानदानों में से एक खानदान है। बहन का नाम है नादरा भूपाली, अम्मी का नाम है नीली टंगसाली, और फुफी का नाम है अंजमल मुल्तानी, और बाप का नाम है सुल्तान राई चतराली है। उस सामने बैठा है मौलवी जलाली हैदर भाई। हैदर भैया, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। फिकर ना कर, होने चिट्टा कर देंगा। अच्छा ते हैदर तेरा ना है? दसा नाले ने तेनू गलत नहीं दसिया, मेरा ही ना हैदर है। तू दस, तू कौन है? मेरा ना राका है। चित्रा लग जा, उजाल पा देना। अच्छा, ये राका बदमाश तू है? आहा, मैं जान शाह रख बढ़ना मेरा पेशा है। ओए जलो हिक तक ना आवे ते बैना वापस कर देना। यार दा सुच्चा लगाए, शारक भी जवान है, ते लव तेरे सिर तो गेठोचा जाएगा। दस होए, तैनू मेरे सिर दा ब्याना किन्ने दिता है? तेरा ब्याना उन्होंने दिता है जिन्हें तू स्कूल ते कब्जा नहीं सी दिता। ओए चलिया ते साम, मैं तैनू मरन, तू राज ही मिल पे। हुण मैं एक तीर नाल दो शिकार करांगा। ते हुण वक्त दसेगा शिकार तू करना है कि मैं। हुण ही मौत दा एक मैदान लगेगा ते 6 फुट दी लाश जमीन च गड़ देंगा। ओए मैनू मौत दा नक्शा की प्या विखांदा है? ना कर दे तो कतल होण वाला एक बारी मेरी सूरत देखदा है, उहदे बाद उहदियां अखां पत्थर हो जांदियां ने। मौलवी साहब, शायर ने ठीक ही कहा है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ओए पिस्तौल, किसे बच्चे दे हाथ छुवे यो भी शेर हो जाता है। ओए घबराना, तैनू इस पिस्तौल ना लई एना हथा नाल मारांगा। मौलवी साहब, आप इसमें क्यों लड़ रहे हो? होश कीजिए। मुझे तो तुम F-104 लगे हो। Thank you.
उठा कर ले गया है। हाय मैं मर गई। खलीफा तू ऐसा ख्याल रख, मैं फूफी दस के होने आई। लगता है ओनू मेरे प्रा चुप के लैके ने। तेरे जे पुत्र मामा काटी जमदी ने अगे तो दुश्मन लबना है जेदे पीछे जावा तेरा दा शेर मेरा जा डके एनू पुठिया टंग दियो है। घरे में बैठी पैन लगा जान। जी जान निकल गई जान। जरा मेरी गल से सुनो। आया फरमाइए हजूर। मैंने बड़े जोरों में भूख लगी हुई है। कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने दिल गुर्दे कलेजी फिफड़े खिला सकता हूँ। पहले ताला से खोल। ये ताला कैसे खुलेगा? ऐसी चाबी तो तेरी जेब चे। हाँ याद आया, अभी खोलता हूँ मेरी अनारकली। हाय मैं तेरे सदके जावा। आओ मेरी गुलबदन, तहत फोन पर बैठकर हम अपनी तकदीर का फैसला करते हैं। मतलब ये जैसे हीर रांझे को चूड़ियाँ खिलाया करती थी। अच्छा हाँ, तो फिर मैं तेनु अपने हत्था नाल चूड़ी खिला। चूड़ी खानी यार। बुलंद देवी की पति मुझे धोखा दे के भाग गई। हाथ रोक लो। हाली भी वेले ही आए, साड़ी पहन दा पता दस दे, नहीं ते तेरी बात फड़ा देंगे। पड़वाइए दा हाथ अपनी पैन दे हाथ च फड़ा दा ख्याल करो। बकरा है जबान दा मुर्शद फड़े कमिया। जे कुत्ता पागल हो जाए ओनू गोली मार देनी चाहिए। एदे ते गोलियां दी बारिश कर दे। नहीं वीरो, एस गुस्ताख नू गोली मार के मारते ना एदी सजा काट दे। ए मेरा मुचरी में इन सजा में आप दवांगी। ठीक 2 मिनट के बाद ए बम ब्लास्ट होएगा। ए दिया गोटियां हवाच इंज डंकियां छिवे हनेरी च सुके पत्ते उड़ते ने। ला वीरो, थोड़ी देर बाद ए अपना हिसाब फरिश्तियां दवेगा। बचा लिया।
शेर जंग तेरी सजा कल मुक रही है। जेल की सजा ते हुण शुरू होवेगी जेल साहब। शेर जंग मैनू चंगी तरह याद है, तेनू 14 साल कैद हुई सी, तेरी नस पज ने 6 साल होर बता दिते सन। मेरे एक नसीहत याद रखी, दुश्मनी दे चौक चो जिन्ने रस्ते निकलते ने वो सारे मौत वल जांदे ने। मेरियां रावां किधर जांदियां ने, मैं किथे जाना एदा मैनू कुछ पता नहीं साहब जी। तुसीं अपनी जेल दे बूहे खुले रखना, मैं दुश्मनां दी नस्ल मुका के हमेशा लई तुहाडे कोल आ जाना। चौधरी साहब, चौधरी साहब, और की गल है? खैर है? वो खैर ही तो नहीं, वो समझ लो तुहाडी शामत आ गई है। वो सोने रब ने फिरौना लई मूसा पैदा कर दिता है। चुप, की कतूरे वांग चौं चौं कर रहा है? तैनू सप लड़ गए? सप लड़िया नहीं, बस समझ लो सप खुड विचों निकल के हवेली विच वड़न वाला है ते तुहानू सारिया नू लड़न वाला है। ओए की बकबक कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि तुहाडा 20 साल पुराना दुश्मन शेर जंग जेल ही चोरे हा होके सीधा हवेली वाल आ रहे हैं। कुछ कर सकते हो तो कर लो, किन्ना कहना कि हमें खबर ना हुई। शेर जंग आ रहे हैं? ओए असी ते सुनिया जेल च मर खप गया। ओए ओ किवें मर सकदा है, उन्हें ते आपे हयात बीता होया है। ए शेर जंग कौन है दादा? साडा बड़ा पुराना दुश्मन है पुत्रा, आज तो 20 साल पहले असी ओते नजायज कतल पुआ के उन जेल भिजवाता सी। गल ई कोनी दादा, आज जनु इत्थे आण ते दे असी ओनु अपने हत्थी मार देंगे। ओ बेगार तो ए ते बेला तसेगा के कौन मरता है कौन मरता है। लो आ गए जे चाचा जी, तैयार हो जाओ, मैं तो चलिया जी। घबरा ना होए मेरे पुत्र ते पोतरे, आज तेरा एहो जिहा इस्तकबाल करनगे के तू तौबा ताब कर उठेगा। रब दी सौं, जे जेल दियां कंधां शेर जंग दा राह ना टकदियां ते तेरी नस्ल च इक भी बंदा जेरा ना लैण वाला जिंदा नहीं सी रहण देना। हाली बोले इस हवेली जेरा भी उच्ची बोलन दी जुरत करे असी ओदे सां खिच लैने आ। बदबख्तो, अच बुढ़ा शेर तुहाडे साम का कई रहेगा। आए पुत्रो, आज जे दियां इंज बोडियां उड़ाओ जिवें पेंजा रूह उड़ांदा है। बंदा है के बांदर है? Come on.
ਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਈ ਬੱਕਰੇ ਕੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲੂ ਉਹ ਖਿਸਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਧੌਣ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਖਬਰਦਾਰ ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਓਏ ਆਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਡਿਪਟੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਏ तेनू होश आ गई है तू हुण मां नूं बेहोश करके ते ना जा मैनूं दस दे सही तेरी दुश्मनी किहदे नाल है मैं उहनां नूं हथ जोड़ के मना लांगी कौड़े रुख ने कदे मिठा फल नहीं दिता मां मेरे दुश्मन ओह फिरौन ने जिन्हां दा दावा है कि उहनां दे सामने ना चुकन वाला सिर कदे मोढ़िआं ते नहीं रहिंदा पर मैं उहनां दे सिर नीवे करके साबित करांगा कि रब ने हर फिरौन लई मूसा पैदा कीता है ने जोरदार दुश्मन तू कितों लभ लेने मैनू दस दे सही ओ है कौन ओ कानपुर दे जगीरदार चौधरी सजावल दे पोतरे ने चौधरी सजावल दे पोतरे ने आओ मां पर आज मैं उना दे इट नाल इट वजा देंगा नहीं वे तू उना नू पहली बारी वेखे है मैं उना नू 20 साल तो जाननी हां ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹਟ ਜਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਰੁਕ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਦਿਆਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ ते मैनु तेरे ते मान है ते इस मर जानी मां दा मान रख ले नहीं ते अज मां मर जाएगी ते अदर मर जाएगी मां एनु इंतकाम ने अन्ना कर दिता है एनु आज किसे भी रिश्ते दी पहचान नहीं रही एनु समझाना छड़ दे मां छड़ दे ए हो ते अज वेखना तीए ए सिर्फ मां कहना जानदा है या मां दा मुकाम भी पहचानदा है जे अज इस घर दी तेली तब गया ते मर जानियां मावा अपने सगे पुत्रा ते भी मान करना छड़ देन गया छड़ देन गया चल आती है चलिए Thank you.
तू जिंदा है? आहो शेरचंद, मैंने ते तकदीर ने रोड़ के दरिया के किनारे ला दिता सी, पर तू दस, तू दुश्मनी के मैदान चो किस तरह बच गया है? सजावल ने अब्बा जी का मेरे ते झूठा कतल पुआ के मैनु 14 साल की कैद करा दी सी। मैं तेरे दरिया बुर दौड़ का सुनिया ढेर तोड़ी, पर कानून दिया कंधा ने मेरे इंतकाम का राह ढक लिया। पता नहीं रब सालिम की रस्सी इनी दराज क्यों कर देता शेर जंग, छड़ी हर मजबूर का गला घुट देंदी है। ये कोई सांप पकड़ने वाला लगता है। बकवास ना कर वीरा, ए हैदर का पियो ते मेरा खामिंद है। शेरजंग, ए जियो मोसी जिन्ने मेरी जान बचाई सी ते सखिया पैर नालों वध प्यार दिता है। तुसी मेरे बच्चियां दी जान बचा के मेरे ते बहुत वड्डा एहसान कीता है। शेरजंग, ए गोरी है करमू दी धी। सलाम फूफा जी। जिंदी रहो तीए, जिंदी रहो। नायला, मेरे बच्चे किथे ने? एक पुत्र ते 14 साल पहले नूरी दी गोदी च पाके ओनू मौत कोलों बचाया सी ते हुण तक नहीं लभिया, ते छोटा पुत्र हैदर अंदर कमरे च है। मेरा पुत्र अंदर कमरे च है? छेती नाल मेरे पुत्र नूं मिला। कुछ दे जुदाई दी अग ठंडी होवे। पहले मेरे नाल वादा कर के पुत्र नाल वैर दी कहानी दा कोई सफा नहीं खोलेगा। नायला, कोई भी प्यो अपने पुत्र नूं मौत दे रावल नहीं तोर सकदा। चला फिर मिलावा। फेर दिया ते मैनु शेर जंग ना की। मौत के मुंह विचों बच गए ते दूजी बारी बच के नहीं जाएगा। ओए मेरे मां प्यो ते जुल्म करन आले हो, आज मैं तोड़े कोलो एक एक फट हिसाब लांगा। ओए जे तू भी इस जैदा दा वारस बने ते फिर शेर जंग तो पहले तेरू दफन करेंगे। Thank you.
दुश्मन मेरे हवाले कर दे। इन्होंने मेरे को मेरी बीवी से मेरे बच्चे जुदा कर दिते सन। ए मेरे दुश्मन ने इन्होंने मैं अपने हत्थी मारांगा। मेरे दुश्मनों नु कोई होर मार जाए ए मेरे लिए मौत है। ए मेरे दुश्मन के हिफाजत की कंध बन के ना खलोई नहीं तो मैं तन भी कर देंगा। आप ना वेखो पुड़िया तो इन्हों मेरी लाश तो लंघ के मार सकना है। सेने से पंजा मारा है। माँ जी इन्हें फौरन चुको तो अस्पताल ले चलो। लगता है दुश्मन इन्हें जख्मी करके सुट गए ने। ऐसा सबूत पूरा पिंड देवेगा साहब बहादुर। साहब बहादुर चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे ने। देख लो साहब बहादुर हैदर के खिलाफ पूरा पिंड गवाही दे रहे है। बकवास कर देने साहब बहादुर। हाँ साहब बहादुर मैं। साहब बहादुर यो आवारा औरत है जिन्हें साडे खानदान की इज्जत मिट्टी पिलाती सी। मैं आवारा नहीं तो बेगरत है जिन्हें जागीर दी लालच। सब तो पहला मेरा प्यो कतल किया जदों मेरा खावन कतल दा तेरे को बदला लेन लगा ते तू ओनू कातिल साबित कर दिता। जदों तुसी मैनू मारन दा प्रोग्राम बनाया ते मैं जान बचा के अपनी जागीरी चुटुर गई। ए बकवास कर दी साहब बहादुर। ओए बकवास तू करना है साहब बहादुर। तू कौन है साहब जी? ए मेरा पुत्र है तैस जागीर दा असल वारिस। साहब बहादुर मेरा जुर्म सिर्फ इना वे कि मैं 20 साल तो बाद आके इना कोलो अपना हक खोलिया है। शैतान अपने पोतरे आप गायब करके मैं राज हटाना चाहता है। साहब बहादुर। साहब बहादुर लगता है इन्हें मेरे दोवें पोतरे मार दिते ने। दसो इतने डाले हो ये बगैर पोतरे मैं अगवा किते ने। असी किस तरह कह दिए हैदर ये पोतरे तू अगवा किते ने। थोड़ी देर पहले तुसी हैदर का नाम लै रहे सो। असी क्यों झूठ बोलिए चौधरी साहब? मेरा तेनू मशवरा सजावल जब कानून तेनू तेरे जुर्मा की सजा दे चुका है
हूं तू उन्हों को अपने गुनाहों की माफी मांग ला नहीं तो किसी वेले भी कानून के शिकंजे जा सकता। मुंदर खां तेरे यारे असी 20 साल तू अपने लव नाल पाल रहे हैं। पैर की पुजी हुई अग नू भूख मार के शेर जंग ने अपनी जिंदगी का दीवा बुझाने की रुत लिया हीरिया दोवे पुत्रा का लव दुश्मन ले लाल तूफान बढ़ा देगा। शेर जंग का पुत्र हैदर साढ़े दोवे पुत्रा अगवा करके पता नहीं कितने लै गया समंदर खान। तुसी फिक्र ना करो चौधरी हो प्यो ते पुत्र दा ऐसा निशान मिटावांगा कि पंजाब दी धरती कभी शेर जंग नहीं जमेगी। मौत फरिश्ते दे सामने जिंदा रहने दे ख्वाब ना वेखो मेरे सारे दे कतल तो लेके 20 साल की सजा तक जुल्म की घटी का सफर सजावल की नस्ल ने नाबूद करके मुकेगा। बिल्कुल ठीक किया दुश्मना। समंदर खान तू तेरा जुर्म बहुत बड़ा है शेर जंग पर तेनू मार के 20 साल तो बलदी हुई आग तेरे लहू नाल नहीं बुझनी। शुक्र करो बदबख्ता मेरे पिछले मिल गए ने नहीं ते हुण तक कबरे कबरा बना देनिया सन। कबरा ते हुण तेरे खानदान दिया बन गया शेर जंग और मैं तेरे को चौधरी सजावल ने पोतरे का एहोजा हिसाब लवांगा कि तेरे खानदान का बच्चा बच्चा मार देंगा। और मैं सब तो पहले तेरी जिंदगी का बुर्ज उलटावांगा। इस बुढ़े बकरे नूं मैं आप कुर्बानी चाड़ांगा। समुंदर खान वाह तू ते वाकई दुश्मनी दा बहुत वड्डा समुंदर है। एनो उस वेले तक जिंदा रखो जब तक मैं दे खानदान दा एक एक जी
ऐसी अखा दे सामने नहीं मुका देंदा। ये 20 साल की काली रात मुकी गई है ते कुछ दिन मोडे नाल मोडा लाके चीरे मासत के तू जिस कन्नू पहला तिक्का मार के समझ बैठा है कि यदि छत डिग पवेगी इस कन्न नाल टकराने वाली की कबर अज तक नहीं मिली। ओ कबर भी लभ लांगा मां, नाले नवियां कबरां दा शहर भी बना देंगा। और मेरे हाथ बंदूक आ गई है मां, और मेरे को किसे नहीं हो बचना, किसे नहीं हो बचना। दुश्मना अपनी हवेली ते जाके दा कब्जा लेने तो बाद साड़ी ताड़े नाल सुला है। सुला सुला ते हुण किसे गल लाली होवेगी, मैं तेरे पुत्र दे टोटे करवा दूंगी। मैं तेरा पूरा टब्बर खा जावांगा। जे ए गल है ते फिर एथे खलोता रही वे, मैं वीरां लेके हुणे आनी आ। है जनी अग्गे दियो जोड़ी देखन ले, मैं आप तेरे नाल चलांगा। चल पुत्र। तैनू मेरे सिर दी कसम है मां, मेरे पीछे ना आवी, नहीं तो मैं अपने आप में गोली मार लांगा। चल ले पुत्र। कदमा ते रुक जा दुश्मना, ते एस जगह नु चंगी तरह पहचान ले, आज तेरी जिंदगी दा फैसला ऐसे ही थां ते होवेगा। ते फिर आवाज मार अपने वारसा नु, आज मैं तेरे आले दुआले दिया सारिया कंधा ना डेग दिया, ते मैनू हैदर ना आखी। हैदर अपने इंतकाम दे सूरज नु बतलाउन ले कर ले, हुण मैं उस सरकती ठंडी छां हेठ आन खलोती हां जिथे दुखां दी दुपहर कदी नहीं होनी। हुण मेरी जिंदगी दा वारस तू ए। ऐ की कह रही है शुद्धनीए? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं हैदर, पावे मेरे हाथों से शगना नहीं मेहंदी ला, पावे मेरे हाथों नू अपने खून ना रंग दे, मैं ते दिलो जान नाल तैनू अपना मान लिता है। सब नू हथी दुध भी पियाईए, ते ओदी फितरत डंग मारना है। इंसान च बड़ा फर्क है हैदर, सौ रब दी मैं तेरे मोढ़े नाल खलो के हर उस सब का सिर ला दवांगी जेड़ा मेरे प्यार नूं डंग मारे। की गल है नादिया, तू गुरूर दे अर्श तो मिन्तां दे फर्श ते आ डिगी है, ए ते मैं कदी सोच भी नहीं सकदा। ए दस तू चाहनी की है? मैं चाहनी हां मैं तेरी बन जावां, नहीं ते मर जावां। Thank you.
पोत्री दा वर दुश्मनी दे घोड़े ते बैठ के साडे वल तके असी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यार दा हड़ ताड़ी दुश्मनी दे पार नु रोड़ के लै जाएगा दाता। सस्सी सोनी हीर दा प्यार जिथे खत्म होया सी मेरा प्यार उथे शुरू होएगा। ते फिर फिक्र ना कर, तेरा अंजाम वेख के पंजाब दी धरती ते जम्मण वाली कोई भी कुड़ी कदी भी प्यार दी खेड़ नहीं खेडेगी। जे गाले ते फिर कोली चलावे, अच अपने प्यार दी सब तो पहली कुर्बानी भी मैं दवांगी। साबरा ओए दुश्मनों, नहीं होते नहीं, पर
पता कहे तू कुछ नहीं बोलेगा। आज चन्ना सोरा वरन दो गल्ला मैं जरूर करांगी। फिर तिया साल तो चुप रह के ताडे जुलम ते चबरदन नजारा करती रही। पर आज मैं चुप का जंदरा तोड़ के इना जरूर रखांगी। जे दो प्यार करन वाले दिल एक होन दा सुपना वेख ही बैठे ने ते रब दा वास्ता जे अपने वैर दे पत्थर मार के इन्हां दियां आसां दा शीश मैं ना तोड़ो ना तोड़ो। इस तो पहले के तू साढ़े दुश्मन दे नाल रिश्तेदारी दियां गंडा पक्कियां करे असी तेनू अपनी गैरत दा सदका समझ के कुर्बान कर देंगे। दादी दादी मैं की कीता है दादी तुम्हें ते इन्होंने तेरे नाल बड़े सुलम कीते ने। चाची नहीं इन्ना जुल्म ना करो वे नहीं ते रब दा कहर तेरे ते नाज़िल हो जाएगा। ओए जुल्म दे तमाशे नु बंद कर दियो नहीं ते नशा रह जान गया तेरे कोई नहीं निकलेगा। बस सजावल वाह तेरी पोतरी ते ओदी दादी ने मौत दे मैदान च खेड खूब पाई है। हुण इन्हां नूं जिहड़ी सजा मैं देंगा इन्हां दा हशर वेख के इस इलाके दे लोग मेरे कहण दियां कहाणियां पाड़गे। साडे अगे लग के टुर पवे मालकम जिंदा है। नायला वेला कल भी साढ़े हाथी सी वेला आज भी साढ़े हाथी के तानू सारू मौत के खूह सुट के भी साल तो वैर की तुरी हुई कहानी अज हमेशा ही खत्म हो जाएगी। एक पासे तेरा खावत बल दे दूजे पासे तेरा पुत्र यो बदनसीब ने जेड़े एक दूजे नू वेख ते सकते ने पर जिंदी जाने आपस च मिल नहीं सकते। सामने मारे सन अज असी तेरा पुत्र तेरी अखां दे सामने मारांगे। ओए तुसी किसे नूं की मारना है तुहानूं ते अपनी जिंदगी दा भरोसा नहीं। एदा एक मारिया साडा वैर नहीं मुकना आपा ऐस लई कि इन्हां साडे दो मारे ने। दुख ते इस गल दा बबरे ऐस रन ने जमे इक कौन कहंदा मेरा एक पुत्र है ऐस मां दे दो पुत्र ने। तैनू कसम है रब दी आवाज मार अपने दूसरे पुत्र नू ओ बदबख्त भी आके आखिरी बार अपने मां प्यो की सूरत वेख लवे।
जे तू एक मां सोने रब की कसम पा दी है तो फिर यकीन कर ले मावा के पुत्र कब्र च भी सुते हो मां की आवाज सुन के मोड़े न आख लाते ने हम मेरे पुत्र की कहानियां देखो वे जी ओ शेरा खूब आया तेरे वांगू साडा सज्जन है मैनू हाली पुत्र ना आखी नायला इस तू बाद तेरी होर बदनसीबी की हो सकती वाज तू पुत्र नू मारी सी ते आ साडा सज्जन गया राका इस औरत नू दस कि तू एदा पुत्र है या साडा सज्जन है आज मैं तुम बहुत कुछ दसागा मां की आवाज सुन के ओदा पुत्र ही आ सकता हाली बोलो आज तो बाद मैं थोड़ा सजा नहीं दुश्मन जे तू भी ऐसे यतीम टोले नाल डाली गया है ते फिर इना तो पहला तेरी जिंदगी का चिराग मैं बुझावांगा कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर आ गया ना तुम्हारे वालद साहब Thank you.
इन्ना तो पहला मैं तुहानू मौत दे खूह दा एक नमूना वखावां बुढ़िया मुसलमान हो गए हो? हाँ मिलकर के हाथ के रही दुश्मनों से आओ।
चाचा जी मेरे दादा जी ना मारना जे भी बसूरत मर गया ते साडे खानदान चो साडा ना लैन वाला कोई नहीं रहेगा अगो चक कुड़िए मैं जिंदा नहीं छड़ांगा नहीं छड़ांगा चाचा जी ए ते आप दुनिया ली तमाशा बन गया दौलत से समीना दे लालच ने एनु बर्बाद कर दिता है नहीं मैं माफ नहीं करांगा शेर जंग पुत्र ते पोतरी दी लाशा वेख के अज मैंने एहसास हो गया कि मैं गलत सा मैनु माफ कर दे अपने पुत्रा दे सदके माफ कर दे चाचा जी ऐस सीधे बद्दे हत्था दा मान रख लो मेरे दादा जी ने माफ कर दियो माफ कर दियो जाए मैं तेनु इना सारिया दे सदके माफ कीता रिश्ते दी गंढ मैं अपने हथी तोड़ी सी आज उसे रिश्ते दी गंढ दोबारा मैं अपने हथी बनन लगावा मैं अपनी पोतरी दा रिश्ता तेरे पुत्र नु देना वा खलीफा ये खबर छपी है अभी पढ़ के सुनाता हूँ एक बीवी को बूढ़ा शौहर मिल गया और शौहर को जवान बेटे मिल गए और बेटों को खूबसूरत बेगमें मिल गई